इसी के साथ नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, काऊ मिल्क प्लांट का बजट नहीं दे पा रही सरकार। ये ऐसा ट्वीट उन्होंने किया है। बीजेपी सरकार अरबों के निवेश का दावा करती है, मगर काऊ मिल्क प्लांट का बजट सरकार नहीं दे पा रही है। डेयरी संचालक पशुपालकों को उनका लाखों का भुगतान जो है अटक गया है, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। कौन इज ऑफ डूइंग बिजनेस दावे को सोच मानेगा, सरकार अपना लगाया प्लांट ही नहीं चला पा रही है। बड़ा सवाल जो है इस ट्वीट के माध्यम से अखिलेश यादव ने खड़ा किया है। काऊ मिल्क प्लांट को लेकर ट्वीट किया गया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा। उन्होंने लिखा है कि काऊ मिल्क प्लांट का बजट जो है सरकार नहीं दे पा रही है। अरबों का निवेश तो करती है सरकार, मगर अपने ही बनाए प्लांट का जो है भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है। साथ ही बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दावे को कौन सच मानेगा। इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश कुमार लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अविनाश, एक बार फिर से अखिलेश यादव के ट्वीट ने जो है राजनीति के गलियारों में तहलका मचा दिया है। काऊ मिल्क प्लांट को लेकर बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने खड़ा किया है। अश्मिता, बिल्कुल अश्मिता, जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बार एक ट्वीट करके काऊ मिल्क प्लांट को लेकर बजट नहीं दे पा रहे, उसको लेकर सरकार को घेरा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का कार्यक्रम चल रहा है, लाखों निवेश आ रहे हैं, लाखों करोड़ों का, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार सरकार के ऊपर हमलावर रहते हैं। और एक बार फिर काऊ मिल है जो कन्नौज में जो प्लांट लगाया गया था 2019 में, इसका उद्घाटन हुआ था, काफी लाखों किसानों का इसमें भुगतान बजट जो लटक गया था, उसको लेकर जो संचालक थे, डेयरी संचालक थे, पशुपालक, किसानों ने प्रदर्शन भी किया था, वही एक बार फिर मुद्दा उठा दिया है अखिलेश यादव ने। और सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जो सरकार अपने बनाए हुए प्लांटों का भुगतान नहीं कर पा रही है तो लाखों का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। ये एक बड़ा सवाल अखिलेश यादव लगातार सरकार से पूछ रहे हैं और उसका जवाब मांग रहे हैं कि जो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन जो पिछले प्लांट लगाए गए थे उनका अभी तक भुगतान नहीं हो रहा। प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, डेयरी संचालक, तो अभी ये एक बड़ा सवाल है। तो लगातार अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हैं। जी अविनाश, इस पर जो है बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आया इनके ट्वीट पर, या कोई इनने, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो बीजेपी जो है खुद ही इतना पैसा इन्वेस्ट करवाती है, मगर इनका ही जो है ये जो काऊ मिल्क प्लांट में ये पैसा नहीं दे पा रही है, तो किसी नेता की प्रक्रिया आई है? जी बिल्कुल अश्मिता, अभी सरकार की तरफ से तो कोई ट्वीट का रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जब 2017 की पहले सरकार थी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो कोई भी इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई है, तो यहाँ पे व्यापारियों को ना ही किसी तरीके का भय है, ना ही किसी की कोई भ्रष्टाचार है, तो लगातार व्यापारी वर्ग जो है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है। अखिलेश यादव लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। अखिलेश यादव सिर्फ सरकार पे बयानबाजी कर रहे हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको लखनऊ से बताई, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट ने फिर से एक बार राजनीति के गलियारों में जो है हलचल मचा दी है। ट्वीट उनका जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है सरकार से उन्होंने सवाल किया है, काऊ मिल्क प्लांट का बजट नहीं देने पर ट्वीट किया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने।